अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अल्लामा शिबली स्कूल के 1994 के 10th पास आउट के बच्चों ने एक अभी प्रोग्राम रखे। प्रोग्राम ऐसा है कि टीचर्स की जो मतलब हमने कुछ कोशिश करें कि टीचर्स के लिए हमने कुछ करना करिए, क्योंकि टीचर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है और टीचर ने जो किए उसी के बलबूते पे आज हम यहाँ पर है। और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम रखने का भी कॉन्सेप्ट यह था कि उर्दू स्कूलों का जो मामला है अभी, तो उर्दू स्कूलों का ऐसा है कि मतलब कोई फुरसाने हाल नहीं है। तो जो भी बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनको चाहिए कि ऐसा आगे बढ़े, जिस तरह से हमने एक पहल करे उस तरह से तो सब आगे बढ़ के तो इस पहल को आगे बढ़ाए और उर्दू स्कूल के असातिज़ा को तो ऐसी हिम्मत अफजाई दे। और जैसे कि उर्दू स्कूल को का ऐसा मसला है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी मतलब अवॉइड किया जाता है, तो हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चे ही हमारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी है और हम स्टूडेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट से ज़्यादा एजाज़ हम हमारे टीचरों को दे सकते हैं, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है कुछ एजाज़ देने की, पर हम एक कोशिश कर सकते हैं और वो कोशिश की पहल हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है। अल्लाह इसको कबूल करे। औरंगाबाद के इतिहास में पहली बार हुआ कि स्टूडेंट्स ने टीचरों को नवाजा। ये औरंगाबाद की जी, तो आप क्या कहेंगे? ये औरंगाबाद के इतिहास में मेरे हिसाब से जैसे सर ने भी बताया कि पहली बार हुआ है और हम खुद ने चाह रहे थे कि ये एक इतिहास हो एक प्रोग्राम का हमारे, और ये इतिहास है। तो अब पता नहीं हमारा ये जो था जो हमने कोशिश करे इसको अब कौन आगे तो बढ़ाता और कैसे करते। वैसे अभी ये औरंगाबाद में फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, और हम मैं बाकी के सभी स्कूल के उर्दू स्कूल के खास करके बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ास ऐसे प्रोग्राम रखे और अपने असातिज़ा की हिम्मत अफजाई करें और उनके उन्होंने जो भी आपको तालीम दी है उसका हक अदा करें। आखिरी सवाल है, जो आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं वो टीचरों की इज्जत नहीं करते, पहले सुनने में आता है हमारे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए मैसेज ये है कि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इज़्ज़त क्या होती है, कैसे देते हैं और वो इज़्ज़त का फल क्या मिलता है, वो लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको चाहता हूँ कि वो आज मतलब कैसा स्कूल का पीरियड ऐसा होता है कि वो टाइम में बच्चे नादान रहते हैं, उनको समझता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर उनको अभी ये मतलब अगर जो भी देख रहे हैं कि जब वो प्रोग्राम हुआ अगर छोटे बच्चों तक ये क्लिप जा रही है, तो उनको भी चाहिए कि उस्ताद क्या होते हैं और उस्ताद का हक क्या होता है और उस्ताद का अदब क्या होता है, वो ये चीज़ से सीखे और वो आगे ये इसको आगे बढ़ाए। ये जो हमने किए ये अभी तो समझो ओल्ड वाइज के है, ये तो जो अभी जो करंट है वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ओल्ड वाइज ही करे। तो आजकल की जनरेशन इतनी फास्ट हो गई है कि ये जो प्रोग्राम हमने 25 साल के बाद करे वो 25 साल पहले भी कर सकते हैं। मेरा नाम फयाज़ अहमद खान है और मैं अल्लामा शिबली स्कूल का है, तो 10th पास आउट 1994 से हूँ। आज अल्लामा शिबली उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें असातेज़ा की हिम्मत अफजाई और उनको एजाज़ से नवाजा, उनकी मोहब्बत दी। हम ये कहते हैं कि दुनिया में हर कोई चाहता है कि बेहतर हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हमसे बेहतर हो। लेकिन दुनिया में सिर्फ दो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि बेहतर हो और हमसे बेहतर हो, वो एक है वालिदैन और दूसरे उस्ताद। इसी कंसेप्ट को नज़र में रखते हुए हमारे अल्लामा शिबली स्कूल के तमाम बच्चों ने शागिर्दों ने एक अंजुमन बनाई, शागिर्द अंजुमन, और उसमें आज तमाम असातेज़ा का जिन्होंने उनको पढ़ाया था, उनकी तरबियत की थी, उनके लिए एक बड़ा एजाज़ दिया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही शागिर्दों को और हमारे आने वाले शागिर्दों को भी इस तरीके से हिदायत दे और वो दुनिया और आखिरत के अंदर भी अच्छा काम करे, ये समाज के लिए बेहतरीन काम है। मैं तमाम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूं और उनका मशकूर हूं। जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया।